हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले एंगलमैन बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। एंगलमैन बैक्टीरियल जो एक्सपेरिमेंट है वो किया क्यों गया था, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है प्लांट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या फिर जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फोटोसिंथेसिस करें तो फोटोसिंथेसिस होती किसकी वजह से है? सूरज की किरणों की वजह से होती है। सूरज की किरणों में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली विजिबल रेज प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब ये जो विजिबल रीजन है इसमें भी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम मेंशन करते हैं विबक्योर से। यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ की ये सारी लाइट्स प्रेजेंट होती है। अब एंगलमैन को ये जानना था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सा ऐसा वेवलेंथ है जिसपे सबसे ज्यादा होती है। तो इसी के इर्द गिर्द पूरा एक्सपेरिमेंट हुए। तो हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने सेटअप किया था। इन्होंने इसके लिए क्या लिया था, एक प्रिज्म लिया था। इस प्रिज्म से इन्होंने क्या किया था, व्हाइट लाइट को पास किया था। जब इन्होंने इससे व्हाइट लाइट को पास किया था तो ये लाइट क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी सारे के सारे कलर्स में। दैट इज ये किस में डिवाइड हो चुकी है, विबक्योर में इस तरीके से डिवाइड हो गई थी। इसके सामने इन्होंने क्या रखा, इसके सामने एक एल्गा रखा जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इन्होंने इस एल्गा को रखा था। इस एल्गा के सामने इन्होंने जस्ट सामने यहाँ पे क्या रख दिया, ऐसे बैक्टीरिया को रख दिया जो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया यानी कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इन्होंने इसके सामने यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यूसली सारे बैक्टीरिया रख दिया। इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यूसली ऐसे 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 रख दिया। यहाँ पर ये सारे के सारे कौन से बैक्टीरिया, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जब स्पाइरोगाइरा में फोटोसिंथेसिस होने लग गई थी तो इसके बाद ये जो ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया है ये दो जगह पे सबसे ज्यादा क्लंपिंग इन्होंने शो की। एक तो इन्होंने सबसे ज्यादा क्लंपिंग शो किया यानी कि इन्होंने एक्यूमुलेशन शो किया रेड रीजन के पास, और एक तरफ इन्होंने सबसे ज्यादा क्लंपिंग शो किया ब्लू रीजन के पास। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे रीजन के पास यहाँ पे ये बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो रीजन था जहाँ पे ये बैक्टीरिया क्लंप हुए वो कौन से रीजन थे, वो यहाँ पे स्पाइरोगाइरा के ऐसे रीजन में थे जहां पर रेड वेवलेंथ पड़ रही थी और जहां पे ब्लू वेवलेंथ पड़ रही थी। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ऐसे रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है। कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2। हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है ये हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये जो है इस रीजन्स में फोटोसिंथेसिस हुआ जिसकी वजह से यहाँ से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है इन दो रीजन्स पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ है। तो इससे हमें रिजल्ट में क्या पता चला, इससे हमें रिजल्ट में पता चला कि रेड वेवलेंथ और ब्लू वेवलेंथ एक ऐसी वेवलेंथ है जहां पर फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होता है। यही चीज एंगलमैन को जानी थी और यही चीज इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गई। सो गाइज, ये था एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।